भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान हमें सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमें सिर्फ सुख ही देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आप किस तरह के पेरेंट हैं? दोस्तों, हम सबको पता है कि इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, क्योंकि वो बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी खुशियों पर कभी भी आंच नहीं आने देते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में उन्नति, प्रगति, तरक्की करें, सफलता के नए नए आयामों को छुएं। लेकिन ऐसा तभी संभव होता है अगर आपको पता होगा कि आप किस तरह के पेरेंट हैं और आपको अपनी पेरेंटिंग में कौन कौन से सुधार करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 तरह की पेरेंटिंग बहुत ही फनी वे में समझाऊंगी, जिसे सुनकर आपको भी देखना है कि आप किस तरह के पेरेंट हैं और आपको कहां कहां पर सुधार करने की जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तरह के पेरेंट होते हैं जो मक्खी टाइप के होते हैं। मक्खी में जो जो विशेषताएं होती हैं, जैसे मक्खी चाहे कितना भी रूम क्लीन हो, फिर भी कहीं पर भी उसे गंदगी दिखाई दे जाए तो वहीं पर जाकर बैठ जाती है। दूसरा, वो वही गंदगी पूरे रूम में फैलाती रहती है। तीसरा, वो हमारे कानों के आसपास भिनभिनाती रहती है, कितनी भी कोशिश कर लो उसे दूर हटाने की, वो बार बार आती है और हमारे कानों के पास आकर भिनभिनाना शुरू कर देती है। इसलिए जो पेरेंट्स मक्खी टाइप के होते हैं, वो अपने बच्चे के अंदर से एक कमी ढूंढते हैं और उसकी उसी कमी को लेकर उसके कानों के पास जाकर बार 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 उसे उसी बात के लिए सुनाते रहते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि 95% पेरेंट्स सिर्फ बच्चों की एक कमी को लेकर ही उन पर गुस्सा होते रहते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी है। ये पेरेंट्स जो मक्खी टाइप के होते हैं, वो बार बार उसे उस लिखावट के लिए ही कहते रहते हैं कि अपनी लिखावट को सुधार लो, अपनी लिखावट को सुधार लो। वो कभी भी बाकी का हिस्सा जो क्लीन है, यानी उनके बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज हैं, चाहे उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की पावर ज्यादा हो, लर्निंग की पावर ज्यादा हो, वो सब को भूलकर सिर्फ एक ही बात पर लगे रहते हैं, उसके आसपास भिनभिनाते रहते हैं। अगर आप मक्खी टाइप पेरेंट हैं तो आपको सुधरने की जरूरत है। इसमें दूसरी टाइप के पेरेंट आते हैं जो मच्छर टाइप के होते हैं। ऐसे पेरेंट्स के अंदर मक्खी की सभी क्वालिटीज तो होती ही हैं, साथ ही मच्छर जैसे डंक मारता है, खून चूसता है, उसी तरह ऐसे पेरेंट बार बार बच्चों को टोकते तो रहते ही हैं, साथ ही उन पर गुस्सा भी करते हैं और कभी कभी तो उन पर हाथ भी उठा देते हैं। ऐसे पेरेंट ना तो खुद खुश रहते हैं, ना ही बच्चों को खुश रहने देते हैं। वो बार बार उनके अंदर डंक मारते रहते हैं, कभी उन्हें फिजिकल पनिशमेंट देते हैं तो कभी उन्हें इमोशनल पनिशमेंट देते हैं। उन्हें कहते रहते हैं कि अगर तूने लिखावट अच्छी नहीं की तो मैं तुझे हॉस्टल में डाल दूंगा।
अगर तुमने ये काम अच्छे नहीं किया तो मैं तुझे बाजार में नहीं लेकर जाऊंगा। इस तरह की वो इमोशनल पनिशमेंट उनको देते रहते हैं। अगर आप मच्छर टाइप पेरेंट हैं तो आपको भी सुधरने की जरूरत है। इसमें तीसरे टाइप के पेरेंट जो होते हैं वो होते हैं मधुमक्खी टाइप के। मधुमक्खी भी मक्खी की ही प्रजाति होती है, लेकिन ये मक्खी से थोड़ी अलग होती है। यानी मक्खी अगर गंदगी पर बैठती है तो मधुमक्खी फूलों पर बैठती है और फूलों के ऊपर डस्ट होते हुए भी, यानी उनके बच्चों के अंदर कमियां होते हुए भी, जैसे वो फूल का रस चूसती है ऐसे ही वो पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर क्वालिटीज ढूंढ लेते हैं, उन्हें एप्रिशिएट करते हैं। ऐसे घरों के बच्चे बहुत ही स्वीट होते हैं, हनी के जैसे होते हैं। ये बच्चे अपने पेरेंट्स को खूब रिस्पेक्ट भी देते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। मधुमक्खी टाइप के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों के अंदर से पॉजिटिव चीज़ें निकाल लेते हैं और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी ही है। जो मक्खी टाइप के पेरेंट होते हैं वो तो सिर्फ भिनभिनाते रहते हैं, उन्हें कहते रहते हैं, टोकते रहते हैं कि आप इसे सुधारो। जो मच्छर टाइप के पेरेंट होते हैं वो उन्हें साथ साथ ठोक भी देते हैं, यानी उन्हें मार भी देते हैं, उन पर गुस्सा भी कर देते हैं। लेकिन जो मधुमक्खी टाइप के पेरेंट होते हैं वो देखकर उसे कहते हैं कि अरे तूने तो बहुत ही अच्छे से लिखना सीख लिया, तुझमें तो डॉक्टर वाली क्वालिटी है, डॉक्टर भी ऐसी ही हैंडराइटिंग लिखते हैं। वो अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिव चीजें देखते हैं, वो ना तो खुद दुखी होते हैं ना ही बच्चों को दुखी होने देते हैं। अगर आप मधुमक्खी टाइप पेरेंट हैं तो आप अच्छे पेरेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें फोर्थ टाइप के जो पेरेंट होते हैं वो होते हैं माली टाइप के। जैसे माली दो पौधों में कभी भी कंपैरिजन नहीं करता, उसे समय समय पर खाद, पानी, धूप, छांव में रखता है, उनका ध्यान रखता है, उसी तरह जो पेरेंट माली टाइप के होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों के अंदर कंपैरिजन नहीं करते हैं। वो धैर्य रखते हैं और सोचते हैं कि समय पर ही इस पर फल आएगा, यानी इनके अंदर वो परिवर्तन आएगा, वो खुद को ग्रो करेंगे। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे की किसी भी क्वालिटी को स्किल में बदलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को म्यूजिक सुनने का शौक है, म्यूजिक सुनते हुए वो पढ़ना चाहता है। ऐसे में जो मक्खी टाइप पेरेंट होते हैं वो सिर्फ कहते रहते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है, इसको पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं है। अगर आप मच्छर टाइप के पेरेंट हैं तो आप उसके हाथ से उसके वो ईयरफोन ले जाएंगे, उसका म्यूजिक सिस्टम ले जाएंगे। अगर आप एक मधुमक्खी टाइप के पेरेंट हैं तो आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप इससे पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हो तो आप इसे सुनते हुए पढ़ाई कीजिए। लेकिन एक माली टाइप का पेरेंट जब जान जाता है कि उसके बच्चे को म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है तो वो अपने बच्चे को म्यूजिक क्लास में डाल देता है, उसके उस शौक को वो स्किल में बदल देता है, ताकि जीवन में वो अपने इस शौक से बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके। अगर आप ऐसे पेरेंट हैं तो आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं। इसमें फिफ्थ टाइप के पेरेंट जो होते हैं वो सॉइल की तरह होते हैं। जैसे एक उपजाऊ मिट्टी में किसी भी तरह का बीज डाला जाए उसी में से वो पौधा निकाल देती है, अच्छे से अच्छे उस पर फल आने लगते हैं। इसी तरह जो पेरेंट्स सॉइल टाइप होते हैं वो अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव करते हैं। यानी अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं या तो फिर ज़्यादा आते हैं,
उनके बिहेवियर में रत्ती भर भी फर्क नहीं आता है। ऐसे पेरेंट जानते हैं कि हमें अपने बच्चों के अंदर से कमियां नहीं क्वालिटीज निकालनी है। वो जानते हैं कि हाथ की पांच उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। सोने की खदान में से सोना निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इसी तरह जो पेरेंट्स सॉइल के जैसे होते हैं, वो अपने बच्चों को अनकंडीशनल प्यार करते हैं और बच्चे भी सारी जिंदगी उनके साथ जुड़े रहते हैं और उन्हें भरपूर प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप सॉइल जैसे पेरेंट हैं तो आप सबसे अच्छे पेरेंट हैं। दोस्तों, ये तो हुई पांच तरह की पेरेंटिंग, लेकिन पेरेंट्स बनने से पहले आप लोग एक पति पत्नी होते हैं। अगर आप पति पत्नी के रूप में एक अच्छे जीवन साथी बनते हैं, तभी आप एक टीम में काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। अगर आपको पेरेंटिंग में बेस्ट बनना है, तो आपको पति पत्नी के रिश्ते में भी बेस्ट बनना है। पति पत्नी के रिश्ते को निभाते हुए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन से टाइप के पेरेंट हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी और फ्यूचर में आप कैसी वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका जीवन सुखमय हो, आपके बच्चे सदा आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बात माने। बाय।